हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपना फेशियल शेयर करूंगी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है तो उसके लिए सभी फेशियल के लिए बहुत बहुत देर तक पार्लर में लाइन में लगे रहते हैं। और इतना आप इस टाइम पर इतने ज़्यादा भीड़ में इकट्ठा होना भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फेस्टिवल सीजन पर इस बार आप अपने घर पर ही इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बेस्ट फेशियल कर सकते हैं। तो ये फेशियल मैंने खुद से अपने आप कर रही हूँ, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, क्योंकि मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ, जो भी करना होता है अपने घर में अपने आप से ही सभी कुछ अपने आप ही करती हूँ, तो कभी पार्लर नहीं जाती, तो इसीलिए ये फेशियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी अपना फेशियल किट। तो यहाँ पर मैंने बॉडी केयर का प्लेटिनियम फेशियल किट लिया हुआ है, तो इसको ही मैं 2 साल से रेगुलर ही इसको यूज़ कर रही हूँ। एक मैं गोल्ड फेशियल है वो भी यूज़ करती हूँ, तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो इस तरीके के यहाँ पर ये मिंट वाला भी आता है, तो इसमें समर में मैं इसी को यूज़ कर रही थी, तो ये मेरा भी ख़त्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर प्लेटिनियम का ये वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो। तो देख सकते हैं आप, ये क्लिनज़र है इसमें, और एक क्लिनज़र है, स्क्रब फेस क्रीम और फेस पैक है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर शुरू करने के लिए देख सकते हैं आप, मैंने बालों को इस तरीके से कवर कर लिया है, बंद कर लिया है मैंने यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइटली इनको बंद कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से टॉवल भी लगा सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है। तो मैं यहाँ पर नेक वगैरह पर अप्लाई करके नहीं दिखाऊँगी, तो इसीलिए मैं फेस पर ही लगाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉवल को हटा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फेस को वॉश कर रखा था अच्छे से, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं क्लिनज़र को इसमें यूज़ करूँगी। तो थोड़ा सा क्लिनज़र लेके फेस पे अच्छे से इसकी मसाज करेंगे, तो इससे हमारा फेस बहुत ही क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी हम स्टेप अपने फॉलो करेंगे, उस स्टेप में हमें किसी में भी बहुत ज़्यादा हाथों का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं हमें डालना है, तो हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से ही प्रेशराइज करेंगे अपने फेस को, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इतना डालना है कि हमारे जो फेस है वो ब्लड सर्कुलेशन उसका इंक्रीज़ हो, इसीलिए हम फेशियल करते हैं। और अगर ब्लड सर्कुलेशन हमारा फेस का इंक्रीज़ होगा, सही रहेगा, तो हमारे फेस का ग्लो भी बना ही रहेगा। तो बस इसी तरीके से इसे मसाज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बॉडी केयर का प्लेटिनियम फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके का, किसी भी ब्रांड का प्लेटिनियम फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं। इसमें सहनाज का भी आता है, बॉडी केयर का, लोटस का, VLCC का या सांगा का, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है आपको। सभी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो ये मैच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एज रिवाइंड का काम करता है, जिन्हें रिंकल्स स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई हो उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जिनकी स्किन डल पड़ गई हो, जिनकी स्किन में कोई भी शाइन नहीं है, स्किन बिल्कुल लूज़ हो गई है, उनके लिए ये प्लेटिनियम फेशियल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्लेटिनियम में एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को, और ये ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। पर क्लिनज़र की मसाज करते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा क्लिनज़र मैंने और लिया है, तो इसको फिर हर बार फिर से अपने फेस पर मसाज करूंगी। तो इस तरीके से हमें मसाज करना है, तो मसाज के स्टेप हमारे एकदम प्रॉपर होने चाहिए, बहुत ही रिलैक्स मिलता है फेशियल से। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फेशियल को मसाज कर सकते हैं इस तरीके से। तो प्रॉपर फेशियल करने के लिए कम से कम 1.5 से 1.75 घंटा लग जाता है, तो बट यहाँ पर मैं इसको मसाज जब करूँगी तो वीडियो को बंद कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी देर टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इधर तो मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रब लूँगी। सेकंड स्टेप में स्क्रब का यूज़ करेंगे, तो स्क्रब ले लिया है फेस पे, और थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ पर स्क्रब को अपने बहुत ही हल्के हाथों से हमें मसाज करना है। तो इसको हल्के हल्के हाथों से आइस पर भी मसाज करेंगे, और चीक पर, फेस पर धीरे धीरे अप्लाई करते हुए हमें यहाँ पर मसाज करनी है, और स्क्रबिंग से जितनी भी डेड स्किन होगी हमारी रिमूव होगी।
आपकी एज 30 से ऊपर है तो आपको हर 15 डेज में अपना जो फेशियल है इसी तरीके से करना चाहिए। कम से कम आधा से पौन घंटा लग जाता है प्रॉपर फेशियल को करने में। तो आप इस तरीके से अपनी स्किन की केयर, अपने फेस की केयर आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपको लंबी लंबी लाइनों में पार्लर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से फेस्टिवल में घर में ही अपनी स्किन केयर करें तो प्रॉपर ही रेगुलर आप ही को इस तरीके से अपना फेशियल करना चाहिए, जिस तरीके से मैं करती हूँ, हमेशा इसी तरीके से करती हूँ मैं। फिर से मैंने स्क्रब ले लिया है और फिर से मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है बहुत ही हल्के हाथों से। फेशियल को कंप्लीट जब हमारे सारे स्टेप हो जाएंगे तब उसके बाद आप सोचेंगे कि एकदम जस्ट रिज़ल्ट नहीं आता है, लगता है कि हमारा फेस क्लीन हो जाता है। तो वो दिखता है कि हाँ हमारा फेस क्लीन हुआ है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है स्किन, बहुत ही ग्लो करती है। बट इसका रिज़ल्ट 1 से 2 दिन बाद बहुत ही अच्छा आता है। फेशियल का कोई भी फेशियल कराएं आप, उसका रिज़ल्ट थोड़े टाइम बाद आता है। तो इसीलिए ब्राइड का आपने देखा होगा कि ब्राइड का भी पहले से ही फेशियल शुरू हो जाते हैं और शादी से भी 2 दिन पहले भी उसका फेशियल होता है ब्राइड का। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ग्लो करती है स्किन, तो एकदम नहीं करती है। तो इसीलिए उसको जो 1 से 2 दिन बाद अच्छा ग्लो आता है तो इसीलिए उनका भी पहले ही किया जाता है। को करने के बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा स्पंज गीला लिया हुआ है मैंने, तो उससे इसको हल्का सा पॉश लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम क्रीम लेंगे, फेशियल क्रीम का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से नोज़ वगैरह पर भी आपको स्क्रब करना है हल्के हल्के हाथों से। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अब क्रीम। तो फेस क्रीम को अपने हाथ में लेके तो पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और इसकी मसाज करेंगे। बहुत ही बढ़िया से मसाज करनी है इसकी हमें। तो अच्छे से पॉइंट को प्रेसराइज करते हुए इस तरीके से आपको अपने फेस पर मसाज करनी है क्रीम से। बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत ही आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है फेशियल जब होता है। सकते हैं इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीक पे इस तरीके से आपको मसाज करनी है। फॉरहेड की भी देख लेना आप किस तरीके से करते हैं, तो आप अपने आप ही घर पर कर सकते हैं। तो फेशियल करते हुए जब भी आपको लगे कि आपका हाथ थोड़ा सा टाइट चलने लगा है, तो स्किन हमारी जो है क्रीम वगैरह हल्की सी सॉफ्ट होने लगी है फेस पर, तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर लेकर हाथ पर उसको फिर से एक बार फेशियल कर सकते हैं और थोड़ा सा क्रीम और ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोज़ वाटर मैंने बाउल में रखा हुआ है तो इसी को यूज़ कर रही हूँ। पानी भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, रोज वाटर से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फेशियल कंप्लीट करना है और इसी तरीके से आपको आइज़ के चारों तरफ भी मसाज कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। तो इस तरीके से मसाज करने से जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होता है, उससे हमारी जो स्किन है वो एकदम यंग लुक देती है। तो इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। तो फेस क्रीम से कम मैंने 10 से 15 मिनट मसाज किए अपने फेस की रेगुलर हल्के हाथों से। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है, तो अब लास्ट स्टेप होगा हमारा। यहाँ पर हम लगाएंगे फेस पैक। तो थोड़ा सा फेस पैक लेंगे, जितना भी फेस के लिए सफिशिएंट है तो इतना हम ले लेंगे और इसको फेस पर इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो फिंगर को आप ऊपर की साइड इस तरीके से हमें चलाना है और इसको अप्लाई करना है। तो पूरे फेस पर मैंने यहाँ पर फेस पैक को अप्लाई कर लिया है और मैं इसको ड्राई होने दूंगी। हमें स्माइल भी नहीं करनी है बिल्कुल भी, बोलना भी नहीं है, बस इसी तरीके से अपने फेस को रखना है। तो इसको ड्राई होने देंगे। तो फेस पैक हमारा ड्राई हो चुका है आप देख सकते हैं, और इसे हमें डायरेक्टली वॉश नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एक स्पंज लिया हुआ है, उसको हल्का गीला कर लिया है और इसको हल्के बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें पोंछ लेंगे, रिमूव कर लेंगे इसको।
आप चाहे तो वेट टिश्यू का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। या फिर आप कुछ भी ना यूज़ करते हुए सिर्फ हाथों पे से हल्का हल्का पानी टैप टैप करके अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, उससे ये हल्का सा गीला हो जाएगा, तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। जाएगा तो हमें प्रॉपर एकदम इसको वॉश नहीं करना है, क्योंकि हम उसे हाथ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हुए रिमूव करेंगे, वॉश करेंगे, तो उससे स्किन हमारी लूज़ होगी। तो इसलिए हमें इसको हल्का सा पहले गीला कर लेंगे दोबारा से, तो फिर हम इसको फेस को वॉश करेंगे। तो फेस को वॉश कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना फेशियल कर सकते हैं घर पर ही, बहुत ही ईजी है इसको करना, स्टेप बाय स्टेप। बस आपके पास सामान होना चाहिए। अब आपको फेस पर पूरा एक दिन के लिए फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, चाहे तो आप इसके बाद सीरम लगा सकते हैं। फेशियल किट के साथ सीरम नहीं आता है, ये मेरा गोल्ड जो फेशियल है उसका सीरम है, तो इसको हल्का सा मैं फेस पर अप्लाई करूँगी। सीरम से बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्किन हो जाती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। सीरम अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको मेकअप कोई भी नहीं करना है फेशियल के पूरा एक दिन तक। और फिर यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर बुन अपने फेस पर यूज़ नहीं करना है। पर मैंने हल्का सा सीरम अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।